ट्रेन से 35 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद, फिनिशिंग के लिए पहुंचाई जा रही थी मुंगेर। जमालपुर में शनिवार को आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गाड़ी की संख्या 1236 डैनी दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे से लावारिस अवस्था में पड़े दो पिट्ठू बैग से 35 अर्धनिर्मित पिस्टल और 35 बैरल बरामद किया है। रेल डीएसपी विनय राम ने बताया कि विशेष अभियान के तहत ट्रेन जांच के दौरान आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा ट्रेन के इंजन के बाद जनरल डिब्बे के पास शौचालय के पास लावारिस अवस्था में पिट्ठू बैग बरामद किया। पिट्ठू बैग की जब जांच की गई तो कई छोटे छोटे पैकेट्स मिले। जब पैकेट्स को खोला गया तो उसमें अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि आशंका जताई जा रही कि इस अर्धनिर्मित स्थलों को जमालपुर स्टेशन पर उतार कर फिनिशिंग के लिए मुंगेर ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रेन के जमालपुर जंक्शन पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों की चाक चौबंद व्यवस्था को देख तस्कर हथियार छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। कहा कि मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। R9 भारत के लिए मुंगेर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। ट्रेन के इंजन जो लगी रहती है उसके बगल वाली बोगी से है ना, साहेबगंज इंटरसिटी में ये विशेष अभियान चलाया गया था मेरे द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा। तो हम लोग जो है सो प्लेटफॉर्म चेकिंग और गाड़ी चेकिंग के दौरान सरस्वती पूजा ये सब को लेकर के बराबर अभियान चलाते रहते थे। तो कल भी हम लोग एक अभियान चलाए जिसमें कि ये उपलब्धि हमको मिली। तो आज सर कितने बजे अभियान चलाए सर, किस ट्रेन से मिली है? सवेर में लगभग 8:30 बजे अभियान चलाए। अच्छा सर, कितने कितना कितना जो बरामद पिस्टल है, कितना पिस्टल है सर? 35 पीस ये बॉडी है और 35 पीस बैरल है। अच्छा, तो सर ये जिस ट्रेन में मिला वो लावारिस अवस्था में कहाँ पे मिला था सर? शौचालय के पास। शौचालय के पास ट्रेन में। तो पिट्ठू बैग में सर? पिट्ठू बैग। दिनों के बाद ट्रेन में इस तरह से हथियार मिले, क्या कहना है सर खासकर आपका? हाँ, ये हथियार तस्करी को लेकर के जो यह ट्रेन के द्वारा अपने गंतव्य जगह पहुंचाने के लिए यह काम जो है किया गया है, उम्मीद लगता है ऐसा कि वो जमालपुर में ही उतार करके मुंगेर या जमालपुर या अन्य जगह भागलपुर ये सबको वितरित किया करने का ये सब रहा। तो जो तस्कर है सर वो फरार हो गया जी? अच्छा, कहाँ से जाना है इस सब के संबंध में और सघन छापामारी एवं अभियान चलाया जाएगा जिससे कि इसको जो मेट करने वाले यानी बनाने वाले जो लोग हैं गिरफ्त में आ सके।